The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कोलोनोस्कोपी के बारे में। जी हाँ, ये ऐसी जांच है जो भगवान करे किसी को ना करानी पड़े, करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है। ऑल दो इसमें आपको सुई भी नहीं लगती, लेकिन आपको दर्द हो सकता है या अजीब और गरीब फीलिंग हो सकती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस टेस्ट की जो आपके एनस के रास्ते से पाइप डाल के, यानी कि एक एंडोस्कोप यानी कि दूरबीन डाल के किया जाता है। अंदर से एनस के रास्ते से पाइप डाल के अंदर देखा जाता है, अंदर तक। दैट इज कॉल्ड कोलोनोस्कोपी। स्कोपी वर्ड का मतलब है देखना, और कोलोन मतलब आपके बड़ी आंत को कहते हैं। तो बड़ी आंत को अंदर से पूरा देखना। बड़ी आंत कैसे जाती है? ऐसे ऊपर जाती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है। तो पाइप कैसे जाएगा? ऐसा जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर आपका एंडोस्कोपी इस तरह से जाएगी। तो इसको क्यों करेंगे? कोई क्यों अपने अंदर पाइप घुसवाना चाहेगा? ऐसा क्यों होगा भाई, समझना तो जरूरी है। मान लो कभी खुदा ना खास्ता आपको पड़ गई जरूरत, किसी को पड़ गई कोलोनोस्कोपी का, आपको पता ही ना क्या है। आप बोले हाँ हाँ कराओ कराओ कराओ, फिर पता चला क्या हो रहा है आपके साथ। तो भाई आपको पता तो होना चाहिए क्यों हो रहा है, काहे हो रहा, क्या है इसका महत्व, किस बीमारी के लिए करते हैं, है ना, क्या क्या है प्रिपरेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें। लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, सो कोलोनोस्कोपी हमने बता दिया, कोई भी आपके कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की बीमारी पकड़ने के लिए कोलोन के अंदर कोलोनोस्कोपी की जा सकती है। एक लाइक आई सेड, एक बड़ी सी लंबी सी फ्लेक्सिबल सी ट्यूब है, उसके अंदर का आगे का जो पार्ट है उसका ऐसे ऐसे कंट्रोल हमारे पास रिमोट पे होता है। हम उसको ऐसे 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 कर सकते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। और सामने से जो है उसका दूरबीन होते हैं, मतलब हमें कैमरे में दिखता रहता है कि क्या हो रहा है दुनिया में, यानी आपके अंदर की दुनिया में। सो दैट्स हाउ वी गो इनसाइड। आई डोंट गो इनसाइड, द गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट गो इनसाइड। अगेन, ऑलराइट, दिस इज डन बाय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। और इसके साथ क्या हो सकता है, मान लो कि अंदर कुछ मिल गया भाई, कुछ मिल गया, आप बड़ी मुश्किल से अपने तहखाने में घुसे हो, घर के ऐसी जगह जहां पे आपको गंदगी, तो गंदगी निकालोगे ना, फिर गंदगी भी निकालोगे। वैसे ही अगर हमें अंदर जाके मिल गया किसी प्रकार का एबनॉर्मल टिश्यू या कोई पॉलीप, कोई ग्रोथ, तो फिर उसका एक पार्ट या उसको पूरा ही उठा के निकाल लिया जा सकता है। उसको मतलब है टिश्यू सैंपल, टिश्यू सैंपल यानी कि बायोप्सी ली जा सकती है। अब भाई साहब देखो, ऐसा है आगे चल के आपका पेट कटे और बड़ा ऑपरेशन हो, उससे अच्छा है कि ये छोटी सी वायर तार घुसवा लो, है कि नहीं, ये पाइप घुसवा लो। ये बहुत एक्चुअल चीज़ है। ऐसी कोई बीमारी समझ में आती है जिसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, और उसका रूल आउट करने के लिए या उसकी बीमारी का पता करने के लिए ये करना है, तो फिर जय माता दी बोल के लेट्स रॉक करना पड़ सकता है। तो ये बात समझ लीजिए, इट्स लाइक दैट। सो व्हाई इट इज डन, सबसे बड़ा सवाल, क्यों करना पड़ेगा, काहे हमें इस प्रकार के चीजों से घुसा रहे हो। सो नाउ, इंटेस्टाइनल साइन एंड सिम्टम होने चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी इंटेस्टाइनल बीमारी होनी चाहिए, मतलब पेट में दर्द, पेट में से सबसे बड़ी चीज है रेक्टल ब्रीदिंग, नीचे से अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। या फिर बहुत लंबे समय से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक डायरिया, या किसी प्रकार का क्रोनिक लंबे समय का इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है जिसका कारण नहीं समझ आ रहा, तब फिर कोलोनोस्कोपी करके देखा जा सकता है कि भाई अंदर हो क्या रिया है। ये रिया वो रिया नहीं है, ये रिया है, ठीक है। और स्क्रीन पर फिर कोलोन का, अगर मान लो आपको स्क्रीनिंग पर्पस के लिए भी किया जा सकता है। स्क्रीनिंग पर्पस मतलब हमें डाउट है आपके परिवार में आपके दादाजी को या किसी ना किसी को कोलोन कैंसर हो चुका है, आपके परिवार में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कोलोन के कैंसर का, आप भाई साहब नहीं अपने आप को कोलोन कैंसर करवाना चाहते हो और जानना चाहते हैं कि हमका यानी कि तुमका कोलोन कैंसर है कि नहीं, और आपकी उम्र होनी चाहिए 50 या उससे ऊपर, और आपका रिस्क फैक्टर होना चाहिए, दिस इज द रिस्क फैक्टर, तब फिर आपको स्क्रीनिंग के लिए किया जा सकता है। स्क्रीनिंग में टेक्निकली हर 10 साल में एक बार बोला जाता है कि चलो कोलोनोस्कोपी करवाओ, 10 साल में एक बार, ताकि कोलोन में कैंसर तो नहीं आ रहा, या फिर अगर पहले कोई नया साइन सिम्टम, ब्लीडिंग आ गई, रेक्टल ब्लीडिंग, अन्य पता नहीं कहां से, तो भी फिर से कराना पड़ सकता है। तो दैट इज राइट, स्क्रीनिंग ऑफ कोलोन कैंसर, क्योंकि भैया पहले पकड़ लोगे तो पूरा कैंसर निकाल सकते हो, बाद में पकड़ोगे तो कुछ नहीं कर सकते, कैंसर का यही है सारा मुद्दा। तो स्क्रीनिंग फॉर कैंसर एंड इंटेस्टाइनल साइन एंड सिम्टम, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
पॉलिप्स के लिए। मान लो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है, पता नहीं क्या है, सब खा रहे पी रहे हो, पानी पी रहे हो, फिर भी मान लो कि इंटेस्टाइनल लूप है उसमें ऐसा पॉलिप लटका हुआ है, तो मतलब रास्ता तो है लेकिन अंदर पॉलिप लटका हुआ है आधी से ज्यादा खा के, तो मोशन को वो रोक देता है, बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वो पॉलिप है वो अंदर से दिख जाएगा, उसको काट के निकाल लेंगे, जय माता दी, आप ठीक हो जाओगे। सो दिस इज हाउ इट इज। सो पॉलिप्स के लिए भी किया जा सकता है। सो दीज आर द थिंग्स। अब भैया ऐसा खतरनाक टेस्ट है, अंदर से कुछ घुसाया जा रहा है, अनकंफर्टेबल तो होगा ही, लेकिन क्या इसमें रिस्क है, क्या इसमें कोई खतरनाक साइड इफेक्ट है, क्या क्या इसका लेना देना है समझना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है जब अंदर कुछ डाल रहे हैं तो थोड़े बहुत रिस्क तो होंगे। सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है आपका, क्योंकि क्योंकि क्या है, कुछ लोग जो है वो नहीं डालने देते कुछ लोग जो है टाइट कर लेते हैं, हमसे ना हो पाएगा, इसलिए उनको थोड़ा सा शांत करना पड़ता है, घबराते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, है ना, इसलिए घबराहट के लिए उनको सिडेट करना पड़ सकता है, उनको थोड़ा सुलाना पड़ सकता है, और तो सुलाने का एडवर्स रिएक्शन होता है, उस सिडेशन वाली दवा लाखों करोड़ों में किसी एक को एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है। एलर्जिक रिएक्शन वैसे किसी भी दवा से किसी को भी हो सकता है, तो सिडेशन की दवा का एलर्जिक रिएक्शन नंबर वन एक पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, नंबर दो लेकिन वो बहुत रेयर है, लेकिन नंबर दो ब्लीडिंग, ऑब्वियसली अंदर तार डाल रहे हैं, अंदर ये डाल रहे हैं और अंदर पता नहीं कोई, मान लो आपको बवासीर है तो बवासीर को तो उंगली भी लगाई तो ब्लीडिंग हो सकती है, अंदर से पाइप डाला तो ब्लीडिंग होने के चांसेस है, पता नहीं आपको बवासीर है नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज, देखो हम नहीं कह रहे आपको है लेकिन हो सकती, हो तो सकती है नीचे से ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग इज वन पॉसिबिलिटी, ना सिर्फ बवासीर से, लेकिन मान लो अंदर हमको कुछ मिल गया, मान लो अंदर गांठ मिल गई, अंदर पॉलिप मिल गया, अंदर ट्यूमर मिल गया, आपको लगता है ट्यूमर में चक्की मारेंगे मतलब उसमें से एक पीस निकालेंगे, उसका टिश्यू सैंपल लेंगे तो क्या वहां से ब्लीडिंग नहीं होगी, क्या होगी, ना होगी ना, तो वो होगी, वो होगी, फिर वो ब्लीडिंग जो है हो सकता है एक सेकंड में रुक जाए, हो सकता है दो तीन दिन तक चले, हो सकता है ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन होता है, वो डिसीजन वहां पे डॉक्टर को लेना पड़ता है कि भाई करें चक्की मारे कि ना मारे, है कि नहीं, दैट इज हाउ इट इज। अगर लग रहा है कि यार ये तो पूरा खून की नसों से भरा पड़ा है, खून की नसों से भरा पड़ा है, तब नहीं, डोंट, पंगा नहीं लेने का, ऐसा हिसाब। द सेकेंड थिंग और सबसे डेंजरस जो कॉम्प्लिकेशन है, द डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है अगर कहीं मान लो कि आपके इंटेस्टाइन में कहीं कोई ऐसी बीमारी है, मान लो अल्सर है, इंटेस्टाइन्स में पूरे वॉल जो है अल्सर 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 है, इतने खतरनाक अल्सर, अल्सर से क्या होता है, पहले से जो उसकी दीवारें हैं खुदड़ी हुई हैं, इतनी खुदड़ी, इतनी कुड़ी है कि हल्का सा भी टच होकर फट सकती है, तो इंटेस्टाइनल वॉल परफोरेट भी हो सकती है, दैट कैन बी अ रिस्क, ओके, लेकिन किंतु परंतु ये भी रेयर है, लेकिन किंतु परंतु आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स या रिस्क हो सकते हैं। मगर भैया पेट कटवाने से तो अच्छा है, पेट कटवाने, पेट मतलब के बड़ा लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हो या ओपन ऑब्डोमिनल ऑपरेशन हो, उससे बेहतर है ये कराइए, या फिर डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी भी करा सकते हैं, उसमें पेट में छेद हो रहा है, इसमें छेद नहीं हो रहा है, इसमें छेद से ही डाला जा रहा है, दैट्स हाउ इट इज़। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके लिए कोई बाद में आपको जरूरत नहीं पड़, दिक्कत नहीं की जरूरत नहीं पड़, रिकवरी में बहुत जल्दी पूरी रिकवरी हो जाती, किसी प्रकार का कोई टाका नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगेगा, राइट। सो अब इसके लिए लेकिन थोड़ा प्रिपरेशन लगता है, ऑब्वियसली अगर आपके इंटेस्टाइन के अंदर मोशन भरा होगा, आपका स्टूल भरा होगा, तो अंदर से क्या दिखेगा, इसलिए आपको एक दिन पहले बिल्कुल सॉलिड फूड खाना ही नहीं होता है आपको, बल्कि एक दो दिन पहले तक हो सकता है लिक्विड 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 पे रखें, प्लेन वाटर पे रखें, बिल्कुल क्लियर लिक्विड्स पे रखें, और आपको किसी प्रकार के खाने के अलावा आपको लैक्सेटिव दिया जाए, लैक्सेटिव मतलब लैट्रिन आने वाली दवा, ताकि आपका जो बचा कुचा है अंदर, अंदर जो स्टूल है वो निकल जाए, ताकि जब हम अंदर डालें स्कोप तो हमें कुछ भी गंदगी ना दिखे, साफ सुथरा सब कुछ दिखे, और एक्चुअल जो जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल दिखे, ना कि उसके ऊपर लगा हुआ स्टूल, और वहां पर सारी वॉल जो है प्योर दिखे कि भाई इसमें क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। तो इसके लिए इंटेस्टाइनल या कोलोन का प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, द प्रिपरेशन मींस उसको एम्प्टी करना है, खाली करना है, खाली करने के लिए पानी 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 पिलाना पड़ता है एक आध दो दिन पहले, और फिर लैक्सेटिव देना पड़ता है, और जरूरत पड़ती है तो वैसे तो एनीमा भी दिया जाता है, एनीमा मतलब आपके नीचे से एक जरा सा पाइप डाल के उसमें पानी डालते हैं, बहुत सारा उसमें एनीमा होता है, और वो एनीमा यानी दवा भी होती है, और वो फड़फड़ फड़ निकल जाता है, पूरा क्लीन कर देता है, दैट इज एनीमा। इसके अलावा आपकी कुछ अगर दवा है जो कि मान लो आपके पास, आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो वो दवाई एडजस्ट करनी पड़ती है, मान लो आप कोई ब्लड थिनर ले रहे हो तो बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई ये और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाएंगे, डायबिटीज़ वालों की क्योंकि डाइट चेंज हो रही है तो उनकी दवा कम करनी पड़ेगी, उनका शुगर मॉनिटर करना पड़ेगा, हो सकता है एक दिन पहले उनको भर्ती करना पड़े, कोई बहुत खतरनाक ब्लड थिनर ले रहा है
जो तो फिर उसको तो फिर बंद करनी पड़ेगी, 3 दिन 4 दिन पहले बंद करनी पड़ेगी। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेके फिर आगे सावधानी से बढ़ा जाता है, और एक बार प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद भैया तुरंत के तुरंत आपको, बल्कि थोड़े अगर किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, कोई इश्यू नहीं होती, तो फट से छुट्टी भी हो सकती है और तुरंत रिपोर्ट बना के दी जा सकती है, क्योंकि तुरंत तुरंत सामने दिख जाएगा तो डॉक्टर आपको दिख जाएगा। हाँ ये है कि एक बार ये हो गया उसके बाद कुछ घंटे तक आपको थोड़ा ब्लोटेड फील हो सकता है, थोड़ा गैस वैस आप पास कर सकते हो, और यस ये हो सकता है कि एक हाथ बार उसके बाद जब आप मोशन करो तो थोड़ा सा ब्लड भी आए। नथिंग टू बी वरीड अबाउट, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, अनलेस एंड अंटिल ब्लड आना रुक ही नहीं रहा, 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गए और फट 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 बहुत ब्लड आ रहा है, तो चिंता की कोई विषय नहीं है। सबसे अच्छा जो रिजल्ट होता है उसमें बिल्कुल नॉर्मल होता है, नेगेटिव रिजल्ट मतलब अगर दिक्कत ज्यादा है, किसी प्रकार के कोई कैंसर का रिस्क है, ये है वो है, तब फिर आपको बात की जाती है कि चलो 5-1 साल के बाद फिर मान लो हमें रिस्क दिखा कि हाँ ये कुछ था, कैंसरस था, इसका एक ये निकाल लेते हैं, चलो इसमें कुछ नहीं आया, साल भर बाद कोलोनोस्कोपी करके देखेंगे, अगर कुछ नहीं मिला तो 5 साल बाद, रिस्क कुछ भी नहीं है तो 10 साल बाद, ये डॉक्टर डिसाइड करता है कितना है। और पॉजिटिव रिजल्ट मिला मतलब कि कोई आपको पॉलिप मिल गया, कोई गांठ मिल गई, कोई कैंसरस चीज मिल गई, उसका टुकड़ा ले लिया, तो इस प्रकार की चीजों से, या अल्सर दिख गए, छाले दिख गए, ब्लीडिंग दिख गई, कुछ दिख गया जिससे कि बीमारी पता चल जाए, दैट्स व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो बीमारी पता चल जाएगा तो उसका इलाज उसके हिसाब से किया जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, कोलोनोस्कोपी। वैसे तो किसी को करने की जरूरत ना पड़े तो ना पड़े, लेकिन पड़े तो नॉलेज तो हो, इसलिए कृपया इस वीडियो को शेयर करें और बता दें, बताइएगा मत कि क्या है, बस बोलिएगा देखिएगा जरूर भाई साहब। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।